जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। सलाम मैम। सो यू आर येट जस्ट 21। वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एज आई हैव मेंशन्ड दैट व्हेन वी फिनिश अ लेक्चर एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई जॉइन, सो वी रियली नीड टू रिज्यूम इट एंड वी हैव टू मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन इंस्टेड यू नो डूइंग अदर थिंग्स। आई वुड लाइक दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो व्हाट आई एम डूइंग दैट आई एम डेवलपिंग अ स्मॉल पोल। इट इज हैविंग कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस थिंग्स एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। और ये अगले हर क्लास में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आई विल बी डिसाइडिंग दैट वेदर वी आर गोइंग टू वे इट एज अ क्विज और नॉट, और आई विल बी मेंशनिंग दैट यस टुडे आई एम गोइंग टू वे इट एज अ क्विज, बट इट विल नेवर बी लाइक आई विल बी ट्राइंग कि हमारी जो भी ऑनलाइन क्लास अब चलेगी तो उसमें इंटरेक्टिव इस तरह का सेशन लाजमी आएगा, ठीक है। As it is ओके not open for long time, so I'm just waiting for a couple of more minutes for other to join and then we will be continuing. पेपर मैम, आप इस लोगों बोर्ड ने के फर्दर जाके आगे मार्क्स होंगे? देखिए, राइट नाउ मेरे लिए आपकी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैनी थिंग्स विल बी डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली वी हैव टू वे यू एज यू नो ऑन थर्म्स ऑफ योर मार्क्स, बिकॉज दिस इज नॉर्मल सब्जेक्टिव टाइप कोर्स। सो आई कांट से दैट आपके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज के मार्क्स नहीं होंगे। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट टू यू, सो आज के तो मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन अगली दफा के लिए आप तैयार रहें, बिकॉज आई रियली नीड अटेंडेंस एंड इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो यू नो कमिटमेंट इन द क्लास दैट यू आर डूइंग द क्लास टास्क विच आर गिवन टू यू, बिकॉज यू कैन नॉट गो लाइक दिस दैट ओके आई स्पीक एंड गो एंड यू जस्ट रिलैक्स दैट इट्स डन एंड अल्टीमेटली वी जस्ट वेट फॉर द फाइनल एग्जाम। सो ओके मैम। आई एम राइटिंग अ लिंक इन द चैट बॉक्स, यू प्लीज ओपन दैट लिंक इन योर चैट बॉक्स, नॉट इन योर चैट बॉक्स, आप अपने जो ब्राउजर्स हैं उसके ऊपर उसको खोल लें। मैम, इसका कोड मैम कोड मांग रहा है वो। यस मैम, वो सबमिट करने के लिए कोड मांग रहा है। मुझे पता है कि वो कोड मांग रहा है, अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप इसके खोल लें, अपने अपने ब्राउजर्स पे खोल लिया। यस मैम। यस मैम। नो यस मैम, अभी मैम कोड खोल है, एक लिए। मिनट। खोल लें खोल लें। मैम खोल लिया। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो जी, बोले। मैम, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा आ रहा था, तो वो पुट करके ओपन कर दिया है। नहीं, आपने वो पुट नहीं करना है, एक्चुअली मैं आपको जो कोड दूंगी वो पुट करना है, देन इट विल अच्छा, बी टेकिंग यू टू द मैं पोलिस रीओपन, एफिलिएटेड। ठीक है, मैं रीओपन करती हूँ। थैंक यू।
हेलो यस मैम यस मैम आप लोग यस रिस्पॉन्ड मैम नहीं कर रहे उस पे किस किस पे मैम? जो मैंने आपको कोड भेजा आपने डाला नहीं मैम आपने कोड मैम नहीं क्या भेजा, किस पे भेजा? मैंने चैट बॉक्स में नहीं भेजा मैम चैट में मिला मैम कर दिया एंटर मैम। नहीं मैम हो चॉइसेस गया एंटर कर ओपन देना एमसीक्यूज हो है गया मैम ओपन ओपन हो गया ओपन यस हो मैम गया तो हो अपना गया आंसर एंटर करें मैम यहाँ पे सिर्फ मैम एक ही है बस मैम यहाँ पे टाइम लिमिट भी है एक क्या है एक क्वेश्चन है और फाइव चॉइसेस हैं ऐसे नहीं है यस हाँ बस मैम वही सबमिट कर दिया है बस हाँ बस वही सबमिट यस कर मैम दिया है क्या कहा है टाइम लिमिट अब आपको क्या देंगे हम यहाँ पे मैम दोबारा बताएं एक क्वेश्चन है और फाइव मल्टीपल चॉइसेस हैं आप उसका आंसर एंटर नहीं करें नहीं मैम कोड वाली बात दोबारा बताएं मैम और वो चैट कोड बॉक्स वाली बात दोबारा बताएं वो समझ नहीं आया हमारा कोड चैट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा कोड चैट बॉक्स में लिखा हुआ है इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें तो ये आपको मेरे क्वेश्चन पे ले जाएगा टू सेमेस्टर अर्लियर वेयर वी हैव वर्क ऑन द ऑनलाइन क्लासेस एंड इट इज द थर्ड सेशन विच इज मूविंग विद ऑनलाइन क्लासेस तो अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए इन चीजों में मैम ये हमारा फर्स्ट मैम एक्सपीरियंस हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा चलें मैम गुड हमारा फर्स्ट एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस ठीक है सो सेमेस्टर ऑब्वियसली अगर हमारा कंटिन्यूअस थर्ड है बट एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव मैम यहाँ पर आ रहा है थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन जस्ट एक ही क्वेश्चन था एक्सक्यूज मी मैम I have received six responses so far quickly. So it is just, you know, one मैम more minute और उसके बाद मैं end कर दूंगी इसको. जी. मैम जस्ट एक ही क्वेश्चन मैम था. तुम बोलो. प्लीज आप इसको आंसर कर दें फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का कोड भी देंगे आज के दो क्वेश्चन से जो मैंने किए थे. मैम आज वाला कोड कौन सा है? चैट बॉक्स में देखो देखो जो आपका टीम्स है इसका चैट बॉक्स भी होता है टीम्स के चैट बॉक्स में क्वेश्चन है मैम मेरा क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर में आई एम नॉट वेलकमिंग योर क्वेश्चंस राइट नाउ इफ यू आर डन सो वी नीड टू डिस्कस इट एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद इंटरएक्टिव डिस्कशन ओके मैम इन 30 सेकंड्स नेक्स्ट यू कैन सबमिट योर रिस्पांस एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग मैम चैट बॉक्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है मीटिंग स्टार्टेड बट टाइप अ न्यू मैसेज मैम इन्होंने लेट ज्वाइन किया रिप्लाई था दिनेश पे यहां पे क्लिक करें कहां पे मैंने दोबारा रिप्लाई उसमें एंटर कर दिया मीटिंग चैट में मैंने दोबारा किया www.menti.com वाज अ वेबसाइट व्हिच यू वर सपोज्ड टू ओपन एंड देन यू वर एंटरिंग द कोड ओवर देयर Okay, so we see we have got 22 responses, and out of that, we are having 13 responses for the option
that the root of the universal three domain tree, the question says the root of universal three domain tree separates eukarya from bacteria and archaea. It means it is making two groups. One is eukarya and the other group is having both bacteria and archaea. So we have got 13 responses on it that this is a correct answer. Is it really a correct answer? Or someone has chosen it because many others were choosing it. You know, 61% of my class is saying this is the correct answer. So can someone who has given this answer give me a logic on it? जी मैम मेरी लॉजिक है मैम हमने जब क्वेश्चन चैप्टर टू शुरू किया था तो वहां पे हमने देखा था कि क्वेश्चन जब पोज अ क्वेश्चन में कि कॉल वाज और उनके जो थे कोलीग्स उन्होंने क्वेश्चन पोज किया था और जिसका आंसर बाद में ये निकला था कि यूकेरिया एंड आर्किया आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया सो द थ्री डोमेंशन जो थ्री डोमेन है वो सेपरेट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम आर्किया एंड यूकेरिया बट द क्वेश्चन द ऑप्शन टू इज स्टेटिंग इट इज सेपरेटिंग यूकेरिया फ्रॉम बैक्टीरिया एंड आर्किया सो दिस इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर जस्टिफिकेशन स्टेट्स दैट यूकेरिया एंड आर्किया आर क्लोजर as compared to bacteria but this option states eukarya from bacteria and archaea so bacteria and archaea going in one domain actually ma'am my justification is bacteria and archaea are closely related to each other while eukarya is distantly related to both of them well option 3 was actually correct here because we have seen that in the phylogenetic reconstruction, the archaea are getting more closer to eukarya and the baseline, the thing which is occurring is actually bacteria. So the three domain tree is separating bacteria from archaea and eukarya because archaea and eukarya are closer to each other and bacteria are distant from them on the basis of this universal tree. Option 3 is correct. It means ma'am, mera theek tha. ये तो आपने भी निकाल लें मेरा तो मकसद ये था कि आई शो यू कि इट कुड बी दैट व्हेन मेजॉरिटी इज गोइंग विद द आंसर देन यू कैन आल्सो गो विद द आंसर बट इट कुड बी दैट व्हेन यू आर विद द जस्टिफिकेशन एंड व्हेन यू अप्लाई द क्लस्टर्स एक्चुअली बन रहे हैं बट वन क्लस्टर इज हैविंग ओनली बैक्टीरिया एंड द अदर क्लस्टर इज हैविंग आर्किया अलोंग विद यूकेरिया नॉट द बैक्टीरिया एंड आर्किया टुगेदर ओके ओके मैम ओके सो आई विल डाउनलोड द रिजल्ट्स एंड देन आई विल बी पुटिंग वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल I quickly post the question. वही क्वेश्चन आ गया नहीं नहीं अभी वही नहीं आएगा अभी कोड दूंगी उसका सेकेंड क्वेश्चन का तो फिर वो आएगा I'm just putting the options in there and then I give you. Now second question is more relevant to the paper which you have used for understanding that how you are using the polyphasic approach for identification and characterization of microorganisms and it is giving you options on it on your understanding so generally I'm not as I have said I am not weighing you in terms of marks but I am assessing you in terms of understanding of the questions actually and applying it to the knowledge which you already have okay
I've given you the code. The next code is with you. So we have got 19 responses up till now, and many are going with option 3. So anyone who is going with option 3 can explain it, that why you have chosen option 3. Ma'am, I think one by one, because I'm on the desktop sharing, so I can't see who is responding. Maybe I can cross it and then. G. Maybe you can raise hands and then I can give you the chance. Okay. No one has raised up till now. Okay, Ermagan, you explain it. Yes, ma'am. मुझे इसलिए लगा क्योंकि बाकी में एक तो phylogenetics लिखा हुआ था, phylogeny था उसमें, जो genotype है वो involve होती है. और जो एक तो और ऑप्शन था उसमें जीनोटाइप का था, तो दैट्स व्हाई कि मुझे ये हमने क्योंकि फेनोटाइप के हवाले से जाना था, जो उसकी बायोकेमिकल टेस्ट वो केमिस्ट्री है, मोटिलिटी है, मेटाबॉलिज्म है, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 3.
दैट्स गुड थैंक यू अरमान एनीवन एल्स मैम यही था और सेल फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को हमने ऑब्जर्व किया था इस वजह से जो सेकंड है उसको स्किप किया और थर्ड को पिक किया कुत्सिया यस मैम फर्स्ट ऑप्शन में अगर बाकी सारे तो सेम थे डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट में टैक्सोनॉमिक एनालिसिस था सेकंड में जीनोटाइपिक था और थर्ड में बायोकेमिकल एनालिसिस जो है जिसमें डिटेल जो है वो उसमें भी रिसर्च पेपर में भी बात की है तो वो फिनोटाइप के साथ लिंक करते हैं Anyone who has chosen option one, अब वो raise करें hand, बाकी down कर लें. जिन्होंने option one choose की है वो raise करें. हफ्सा, हफ्सा आपने option one choose की है? No ma'am, मैंने third ही choose किया था, वो पहले वाला ही hand raise हुआ है. समझ नहीं आ रहा इसको खत्म कैसे करूँ. अच्छा. ये डार्ट से जाकर जान से रेस किया था वहीं से डाउन हो जाएगा वहीं से डाउन आ जाएगा मैंने डाउन कर दिया अच्छा अब हैंड रेस करो जिन्होंने ऑप्शन वन किया था आई हैव गॉट 9 रिस्पांसेस ओवर देयर सो ये बाय द वे आप लोग 33 स्टूडेंट्स हैं पहले में मेरे पास 22 रिस्पांसेस आए थे अभी मेरे पास 28 आए हैं बाकी लोग क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसमें मैम कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्शन भी वीक है बस ये कनेक्शन जो है ये अब ठीक हो जाने चाहिए बहुत दिन नहीं चलेगा वीक कनेक्शन एनीवन हु हैज गिवन द ऑप्शन 1 कैन प्लीज रेज हैंड वी हैव गॉट 9 रिस्पांसेस ओवर देयर तो कोई ना कोई तो होगा इट इज नॉट दैट वी वांट टू यू नो इवैल्यूएट बट इट इज वी वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर व्हिच यू हैव चोजन द ऑप्शन मैम आई हैव Ma'am, I have given the option A, Kanwa Malik. Okay, Kanwa, can you please tell us a little bit? Ma'am, we are talking about the phenotypic microbial analysis. It means that we are focusing on the appearance. That's why I chose motility, morphology, phylogeny, physiology, and cell chemistry. All these things are observed on the basis of phenotypic microbial analysis. A genotype and the other things, for example, that are mentioned in option B and C, they require the genotypic analysis and genotypic tests. So that's why they don't fit in the definition that is provided in the first in the question that phenotypic microbial analysis. Hello. No, but what about phylogeny? What you say? Phylogeny mein genotype. Yeah, you can keep on discussing it. And the main thing was metabolism. You know, basically, when we are classifying the microorganism on the basis of their cell structure, their, appearance on, plate morphology is not included in the cell morphology. Basically, it is more of the cell morphology and cell expression, cellular expression. So it is cell structure, cellular metabolism, and differences in cell components, jisme uski chemistry aa jati hai sari. So this is actually called the phenotypic analysis. So whenever you are taking up anything out of the life domain, but more precisely, we are focused on the microorganism, bacteria, and archaea over here. So there you will be looking for the understanding of their form on the basis of their cell structure, metabolism, and the components. And the components mean the chemistry. So that is all included into the phenotypic analysis. Or actually, we know that phenotypic expression is coming from the genes or the genetic code because all the information is over there. But here, when we are talking about the analysis, then there we are not including any kind of genetic data, right? So phenotypic analysis ke andar aap expression ki baat kar rahe hote, whatever is expressed. So components jo aap isolate karenge, those will be the components which are actually active over there, which are expressed and which are giving the continuity to that microorganism. So option one would not be correct over here. Jahan pe bhi aap genotypic usko involve karenge, wo isme isko correctly present nahi kar sakega. Is it clear? Yes, ma'am.
एंड सेम इज ट्रू वो पहली ऑप्शन में जो आपके पास था, बाकी सारा कुछ था लेकिन फाइलोजेनी थी. एंड फाइलोजेनेटिक्स वी हैव लर्न दैट वी आर यूजिंग द जीनोमिक डेटा टू कंस्ट्रक्ट द phylogenetics right now, okay, and the other data, okay, in the polyphasic approach, the other data is actually helping us to develop that analysis of the genotypic data in the selection of the blast results and other things, right? So we are comparing the results or we are accumulating the results, not comparing, we are comparing one type of result with the other, with the same result in the other microorganism jisme aapne references ke sath compare kiya tha, but we are accumulating all the results in the development of our complete analysis, right? Yes, so I hope that this has served the purpose, and I do not know very much deeply into the paper now, and as I have said earlier that I'll be putting a little bit of my time to develop some short things which are indicating that how we are proceeding with our understanding, which is very, very important to me right now, okay? And then we will be continuing with it. So I hope that next time you will be more prepared, okay? And if I put some marks over there, so you will not mind it. Now we come to the next chapter. Ma'am, a question tha article ke wale se agar. Ji, bolo. मैम इसमें ना उन्होंने एक मीडिया यूज किया हुआ है जो कि NBRC नंबर 802 ब्रॉथ और एगर है, तो वो उसके हवाले से मुझे क्वेश्चन था कि माइंड में क्या वो ये कोई टाइप स्ट्रेन स्पेसिफिक है या जो स्पीशीज है उसके हवाले से स्पेसिफिक है. When you want to go for any culturing, you go for the media which is appropriate, like you get it from the literature, but in case of this type of papers where they are giving you the identification of the microorganism, which is a novel microorganism, and they have submitted into the culture collection. So these specific numbers of the media are according to the culture collection media numbers. They are having the compositions. Like I have taken you to the website of, I think, LSM or something. So there you can also find the media number, like media number 17, they say, and they also give you the directory where they are having the composition of the media number 17. Some culture collections, they do not give the composition of their media, but many give right now. So you should not be, you know, interpreting that it is a very specific kind of media which has been developed for this microorganism. It could be, but if it is something like that, then it is also expressed in the paper. These are actually those media which are already developed. So this is not the methodology development sort of paper. This is just the use of the pipeline which is already developed for the purpose. मैम मतलब कि अगर हम पाकिस्तान में या कहीं पे अब रिसर्च करते हैं और हमें इस तरह की स्पीशी का होता है कि हम उसके ऑप्ट करते हैं, तो मतलब हम भी इसी तरह इसको यूज करेंगे जिस उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी. यू सी लाइक इफ आई टॉक अबाउट बर्खुदेरिया, राइट? तो अगर बर्खुदेरिया के जो बैक्टीरिया हैं या आप ऑक्रोबैक्टरम को चूज करते हैं, तो उसके लिए जो मीडिया यूज होता है, आप उसी, आपको पता है कि आप राइस फील्ड में जा रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया फ्रॉम देयर, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कुड बी फ्रॉम द जीनस बर्खुदेरिया, राइट? सो यू विल बी चूजिंग द मीडिया विच कैन बी यूज फॉर बर्खुदेरिया, राइट? उस जीनस की जो स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई है उसके लिए आप जो चूज करेंगे, ठीक है? But right now I'm taking you further detail into it, that how we are applying the culturomics approaches to go for more specificity of the microorganism, right? So your question is very much appropriate and linked to the next part of the course which we are starting from today on, right? So maybe ये जो आपका further इसकी clarification है, ये आपको उसमें मिल जाएगी. पहले जब हम करते हैं, this is not a kind of study where we are focusing that we will be developing a new media. Maybe you are interested in the microorganism which was never isolated or identified earlier. So there you should be keep in mind that it could be that for that purpose you have to develop not only the isolation procedures, the specific isolation procedures, or you may also need to modify or create some selective kind of media which is causing the uncultured things to culture up right now. Okay, so it cannot be that you are not playing on that part. It could be that you are playing on that part because you have to go for more smart techniques and more choices for them to grow. Otherwise, you will be coming up with those which were already growing up, right? So, जब आपका ये है कि you are going for in-depth community analysis, then you are giving more choices them to eat up and come up, right? Sure. Thank you. Ma'am, I have a question. जी.
मैम चैप्टर टू में ये अजीब अजीब से फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने क्लास में नहीं पढ़े हुए. स्टेप फोर से थियरी ऑफ फिटिंग एंड सिलेक्टिंग अ फाइलोजेनेटिक मॉडल. You know, as I have said, ke, when you are coming into the class, then you are knowing that how we are moving into the class, right? It is not so that I am reading each and every line of the paper or each or every line of the chapters which I am sharing to you. We are focusing, and it could be that we are going from one part to other and then coming back to the part. Just because I have to make you for the understanding of that. So when you are selecting the model, there I have told you that you are having three substitution models available: neighbor joining, maximum parsimony, and maximum likelihood. And all three are good when you are going for phylogenetic analysis of the microorganism. These three are good for the phylogenetic analysis which you are going to use for your thing. And out of that, I have also advise you that you can start with maximum likelihood or neighbor joining, and that is giving you a fitting response in terms of development of the phylogenetic tree. ठीक है? We have started with the hands-on thing, but we could not continue with that, where it could have been giving you more insight. But as I have said, that you will not be going into very much detail of those mathematical models, because here our approach is not the only thing. That we have to understand that how these models are developed and how they are used. I have to include many things in this particular course. ठीक है? तो वो किसी स्टेज पे जाके हम फिर बैक उसको जो है इन्वॉल्व करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग में. Then it will be linking up. So right now we don't need to understand these formulas. Yes, definitely. Because when I give you the chapter, and in the very beginning, I have also said it that I am having a book, but it is not so that we are starting from that page one of the book and going to page end of the book. It is that we are going with the contents of the course, and we are moving back and forth. It is not so that we are initiating one chapter and then finishing and then never coming back to it. And you have already seen it. Like if we have done something with the understanding of the description of the microorganism, and it was more on the other test, not only on the genotypic test of the 16S rDNA. So now we are continuing with the phenotypic expression, and today my basic question were also with related to that part of the understanding, right? So we'll be touching it back when we come back to those parts. Don't you worry. But I will be remaining in my questions or in my exams. That the things which we have discussed in the classes, not आपको पता है जो 100% outlines होती हैं वो with respect to specific session होती हैं. तो इस session में जिस चीज को हम continue करेंगे, the papers which I have selected, the parts which I have selected, तो उसी के accordingly फिर आपका exam conduct होता है. ठीक है? Ma'am, I have a question. जी मैम, मैंने पूछना था कि एक स्पीशी की एक से ज्यादा टाइप स्ट्रेन्स भी हो सकती हैं, और फिर अगर एक से ज्यादा होती हैं तो फिर टाइप स्ट्रेन्स और अदर स्ट्रेन्स में क्या डिफरेंस है? यू सी, इफ यू हैव आइसोलेटेड समथिंग एंड यू हैव काइंड ऑफ डिफरेंशियल प्रोफाइलिंग ऑफ इट, एंड देन यू वांट टू डिपॉजिट इट एज अ टाइप स्ट्रेन, लाइक दे आर हैविंग द टाइप स्ट्रेन व्हिच दे हैव डिपॉजिटेड विद देयर कलेक्शन नंबर्स. सो like it should have some differential properties, okay? It could be, it is not in terms of the quantitative expressions right now, it is just in terms of expressions. Aapne dekha hoga yahan pe quantitative expression jo tha wo zyada sirf lipid profile ke andar tha, baki kisi cheez mein jo uski fatty acid profile thi uske ilawa kisi cheez mein quantitative expression nahi tha, baki sare ka sara expression plus ye minus ke upar hi tha. Theek hai? To it could be the differential expression of that lipid profile because of which you represent it and then you want to submit it, right? So you can submit it, but ultimately whether it will be published as a validly published type strain or not, it will be determined later. Theek hai? So when we say the type strain, we say with validly published names, not in the catalogs of the culture collections, but in the literature. And out of literature, we have also shown you the way where you can look for validly published name. It cannot be that you can come to the Pakistan Journal of Microbiology and you look for validly published name. You have to go for IJSCM. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So today, now we will be continuing with the importance of the phenotype in the genomic era. So right now, your understanding of phenotype is pretty much good, and I am having no doubt that you are quite open to understand on it, that how much important is the phenotype
even in the genomic era. Although we have very closely initiated with the importance of the genomic era, but we are not going in contradiction with that. The genomic era is having no use to us, and now we have to focus on the phenotypic. But it is, as the name states, it is with the continuing importance of the phenotype. Like if we are going for the culturing, it is not only that we have to improve the methods and we have to improve the choices for culturing to bring the uncultured thing, but it is also that it is giving a quantum of expression which can be correlated with the genomic data, and we can go for better identification and characterization. Okay, so this thing, the phylogeny and genotype, that is very much clear to you, that is based on the DNA thing, jiski wajah se aapne pehli do choices ko pick nahi kiya tha, and many of you have picked up the third choice. So the goal of establishing the evolutionary based and classification of bacteria is and archaea, that has basically driven by the genomic data, whether it was the 16S rDNA data as a basic standard or the whole genome thing. Rightly, I would say that right now the pipeline is containing the NGS results, the whole genome data of the microorganism as well. I'm having a couple of papers, very recent 2021 paper as well on it. And when we are into this chapter, I'll be coming up with those papers. But as I have said previously, as we were on the 16S rDNA and I could not find any open access paper with 16S rDNA, तो फिर इस वजह से मैंने वो 2016 का पेपर लिया था. मॉडर्न तो नहीं हम उसे कहेंगे, बट जो एक्सेप्टेबल पाइपलाइन है इस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के लिए और डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें एनजीएस डेटा उसमें शामिल है, द होल जीनोमिक डेटा असेंबल्ड वन. ओके, so we are requiring not only the tools, but we are also using it for annotating the DNA, and after annotation we are developing the script of the sequence of the genetic code of microorganism, and then we are using it for comparative identification of the microorganism. And it is more than almost 30 years of all this development, like 1995, 96 was the first draft, but I mean the work was earlier going on. And for 16S thing, we know that even in 1980s the Carl Woos and colleagues, they have developed it. And if we go for PCR thing, which has given the basis of the 16S amplification and use in the phylogenetics, so that goes back to 1972, right? So it is a work of almost, we can say now, of almost 50 years that we are using these, whether the small molecules like 16S rDNA or the big thing, the whole genome thing, for the phylogenetic and identification of the microorganisms in the prokaryotes, whether bacteria or archaea. And it is proving a very wide base for not only identification, but also for evolutionary placement. It is not giving a kind of raw data. It gives a good understanding, like as we have seen in the paper, if we go for 16S thing and we go for the close hits, that can help us to look for the reference organisms to be included into that. Otherwise, it could be that you are choosing so many different reference microorganisms, and this is very complicated study. So once you go for 16S rDNA analysis, it could be that you choose just few, one, two, or three references to which you are comparing the results of other tests, like the phenotypic tests and the chemistry or metabolites, and then you are coming up with the results. Agar hum 16S ki base pe screening nahi karte, ye shortlisting nahi karte, to hamare liye kafi complex ho sakti thi study, right? So 16S RNA ki base pe jo hum phylogenetic analysis karte hain, it is telling us that the microorganism which are stored in the databases earlier, they are having they are the same as we are having, or it is telling us the similarity of this to others. Kya batate hain ye? Mam,
मैम सिमिलैरिटी बताते हैं। या दिस इज एक्चुअली द डिटरमिनेशन ऑफ द सिमिलैरिटी। सो यू गेट द सीक्वेंसिंग डेटा एंड देन यू कंपेयर इट। एज आई हैव सेड दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव व्हेन यू कम अप वेदर फॉर जीनोटाइपिक टेस्ट और फिनोटाइपिक टेस्ट। फॉर फिनोटाइपिक टेस्ट यू नो सर सम ट्रेट्स फॉर व्हिच यू कैन यू नो कंपेयर और यू नो सम कंपोजिशंस फॉर व्हिच यू कैन कंपेयर बट इट इज ऑल कंपैरेटिव। इट इज नथिंग फॉर फ्यू फर्स्ट ड्राफ्ट इट वाज लाइक वी वर एक्वायरिंग द डेटा बट राइट नाउ वी आर हैविंग ह्यूज डेटाबेसेस फॉर एवरीथिंग एंड यू शुड be knowing the right database to go for when you are using any kind of test. My main focus was 16S RDNA, so I have taken you for to 16S RDNA databases which you can use, and now you are knowing two databases. The one is the GenBank, although this is correlating with the European database and also with the Japanese database, and the other one, the precise one, which is having not only the completeness but also the precision because it is a verified database, that is the Easy Taxon database, right? Although I was generally in the continuity of the course, we are going to the Easy Taxon after that phylogenetic thing. But today, as we have started with the phenotypic expression, so I have brought you to chapter 14, and then we will be going back to the Easy Taxon. This is probably chapter 4, and then we will be coming back to the development of the phylogenetic trees and the interpretation of the trees. And that's why I have left that part, because I want it to be in the face-to-face class. That will be more better for you. Okay, so as we know, the backbone of 16S rDNA, is it right if we say that if we are having something like a backbone for identification of microorganisms, or if we are having something like a gold standard, we do not need other tests, and that shall give the precise level for identification and classification? क्या अब हम ऐसा कह सकते हैं? मैम, identification और comparative की base पे तो हमें एक gold standard है, लेकिन जब किसी का ऐसा comparison करना है कि जब आप housekeeping gene से out जाके whole genome पे उसकी similarity check करेंगे, तो तब ये gold standard नहीं रहेगा। लेकिन as such हमारे पास अभी ये gold standard consider होता है। Well, we cannot agree on it that when we have to go out of it and go into the housekeeping genes, then it will not remain the gold standard. When you are going out of it and going to some other parts of the genomes, then you have to give the justification that why you are choosing those parts of the genome. It could be that you are giving the reason that my choice is that I want to see how this microorganism is different on the basis of this part of the genome. It could be the ITS, it could be some housekeeping genes. So it is your rationale. And you want to see how it is having this part of the genome, but it could can that you say that we are going out of it because we do not trust like gold standard thing. It could be the gold standard thing has already been done, and now you want to expand your studies to look on the other parts of the genome, or it could be that there is a kind of limitation in the 16S RDNA gene which where it cannot resolve. And we know some examples known so far where this is not able to resolve. It is not because it is not present in those microorganisms, but it is because that it is not having differential parts capable of differentiating it. ठीक है, ऐसा अभी तक कोई भी हमें microorganism नहीं मिला जिसमें हम कहें कि हमारे पास 16S RDNA का part नहीं था. ठीक है, it is a very good molecular clock for genotypic identification, but despite all these things, we know that they are having so many different traits in the microorganism, and I have more emphasized on their selective pressure, that they tend to change the expression according to the environment. That's why we really need to look into the phenotypic expressions as well. We cannot only look for the genotypic expression. Like for the genotypic expression, we can group them into certain type of microorganism, but we are not sure even then that they are expressing the traits which the other members of the family are doing. Is it clear now? अगर आपको याद हो जो टेबल था जिसमें हम इडियोनेला की स्पीशीज को कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें कुछ उसके ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो कि दूसरे दोनों मेंबर्स में नहीं हो रहे थे और इसमें हो रहे थे, या डिफरेंशियल एक्सप्रेशन था, राइट? सो वी आर गोइंग फॉर मोर एक्सप्रेशंस बिकॉज वी वांट टू सी दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर एवोल्यूशनरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ 16S RDNA, इट कुड बी दे आर क्लोज टू 99.9% टू ईच अदर, बट दे आर नॉट हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर शोइंग अप द
other life expressions in them, like the metabolic profiling could be different, their phenotypic expressions could be different, their choices for use of the carbon sources could be different. So we are expanding our understanding on the microorganism. That's why we are going for phenotypic, and ultimately we are also knowing that 16S can give us a good identification base, but this is not a giving us complete picture about the characterization of the microorganism. Can we differentiate the question, the term identification and characterization here? Yes, identification, ma'am, ये होगी कि वो कितना कोई उसमें से किस similarity, yeah, similarity की base पे, ये जो आपने similarity basis रखी है ना 16S में, तो आप उसको कहेंगे कि similarity की base पे इसको आप identify कर रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ ही कितना match करता है, ठीक है? लेकिन characterization is that what it's kind simple. Of expression and yes, इसके अंदर traits कौन सी हैं, ठीक है? So we are including all the phenotypic profiles or the extended expressions into the identification, and then we are leading towards the characterization, right? Identification wo jo hai similarity basis pe, and that similarity could be only on the basis of 16S are closest matches, and we can say that this is a part, this is a member of that particular, you know, group, and we know that who, what kind of, or we can predict what kind of properties it might be having. But it could be that when we go for the testing, it could be that it is having a differential profile and we characterize it a different microorganism or some different some member of that group with having some differential properties. Okay, so the 16S RNA molecule, that remains unchallenged because we know that basically identification process is very much complete with that, and it is not giving us any kind of wrong information, and it could be a good choice of gene, but ultimately it could be that we, for more recognition, we need further tests. And in 16S RNA, we know that we can apply different statistical models and it can give us different results, and we can use different databases and that can also give us different similarity results. So it is our understanding that we are choosing the right pipeline for the development of the 16S RDNA as well. It is not so that we use the pipeline which is not currently valid for 16S RDNA analysis, and then we say that our 16S RDNA result was misleading. It will be properly leading us when we are using the right databases, the right methods and right algorithms, and we are also knowing the limitations of the test in the group which you are trying to identify. But if you are having something like uncultured or something like very much unknown, for which you have no prior knowledge, because we have already known that it could be that we are knowing about 0.1% of the total diversity of microorganism present in any kind of ecosystem. So it could be that we say that the 16S RNA result will be always good leading, or it could be that to which they are matching was the right thing. जब हमें ये भी पता है कि ये तो सिर्फ 0.1% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी एंड देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी व्हिच इज येट नॉट नोन. So I'll be corresponding on it, that it is not so we can say that it can always be correctly leading, because we know that the total diversity is not known so far. So it could be that we are putting it close to the already known members, but ultimately when we go for other testing, we get to know that this is completely a new thing, and not, the corresponding results of the 16S RNA is not enough to put it into the right taxonomic order. Okay, and there we take more use of the phenotypic test. And in phenotypic tests, you are already knowing some of the tests. We come out of this DNA based or phylogeny based test. A phenotypic test mein koi aap enlist karna shuru karenge, kaun kaun se test hai jo aapko ab tak pata hai? Ye biochemical tests sare jo wo phenotypic mein aayenge, uske expressions ke, you know, you have seen that they have performed for species description of microorganism, they have performed the growth condition test, they have performed the temperature profiling test, they have performed the pH
profiling test. They have performed the sodium chloride tolerance and they have performed the carbon source utilization. So these are all included in the phenotypic test. These are the traits which are observable and the results are then accumulated to develop the expression profile of the microorganisms. Some examples I have given you, like growth conditions, temperature, pH, salt tolerance, and this is all dependent on the environment and other conditions in which the microorganism was present. And it could be a stable environment if the ecosystem is not disturbed, or it could be the changing environment where the external pressures are constantly changing and they can change the expression profiles of the. It will not be so that कोई कोई एक फैक्टर. मैम कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन. I was saying that we know that when environmental factors change, they can change. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा नेटवर्क की क्वालिटी बेहतर करती हूँ तो फिर ये आवाज आ जाएगी. जी अब आ रही है आपको आवाज. यस मैम. यस मैम. सो आई वाज इंट्रोड्यूसिंग द ट्रेट्स व्हिच कैन इफेक्ट. आ रही है आवाज या नहीं आ रही मैम? जब आप फ्लो में बोलती हैं तो फिर दोबारा से कटती है. अच्छा ठहरो, मैं पोजीशन चेंज करती हूँ थोड़ी से. अब बेहतर मैम? ओके फाइन. सो इट कुड बी दैट दिस इज द एनवायरमेंटल इफेक्ट. सो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में मैं पूछ रही थी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ड्रास्टिकली इफेक्ट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी एक्सप्रेशन को. कोई एक एग्जांपल दें चेंजिंग पैरामीटर ऑफ द एनवायरमेंट. फॉर एग्जांपल पीएच. एनवायरमेंट एंड दे आर आल्सो हैविंग अदर मेंबर्स प्रेजेंट ओवर देयर. हां टेंपरेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है. उसके अंदर हो सकते हैं. इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फिजिकल पैरामीटर्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल पैरामीटर्स इन द एनवायरमेंट. बिकॉज दिस इज नॉट सो दैट दे आर अलोन इन द एनवायरमेंट. ठीक है, दे आर ऑलवेज in a kind of ecosystem where there are several other members present and their expression can lead to change in the environment of these as well. Theek hai, because ye aisa nahi hai ki koi isolation mein hote hain, they are into a very complex environments. So the prereq here, we can change our notion of understanding of microorganism, where we were saying that genomics is the thing. This is a thing which can speed up the process of knowing the microorganism, but the prereq of knowing any entity which we have isolated or to which we want to know more precisely is that we go for its phenotypic expressions. And we cannot come up to a point where we say that phenotypic expressions or the phenotypic profiling of the microorganism is not important. And ultimately, we know that for these expression studies, it is not so that you go into the environment and you fetch out the DNA. It is about that you isolate the culture of that bacteria and you also have the purified form of it. It is not so impure form, or it should not be a type of mixed culture, right? And there you can use for your identification and characterization purpose. And then you will be applying different methods on it, or you will be applying different media. It could be some specific media, it could be the adaptive media very close to the environment from which you are bringing it
आउट. ठीक है. एंड द टर्म वेरी वी कैन से वेरी recently it has been used for this type of studies is culturomics. maybe isse pehle aapne ye term nahi suni hogi. humne genomics ki term suni hai, metabolomics ki term suni hai, but the term which is very recently, like it is about 2014 when the term was introduced first time in the published papers, and they have used the term of culturomics, that this is a kind of way in which you are developing culturing conditions for differential microorganisms, that you are improving your culturing conditions, you are improving your culturing methods, you are improving your culturing compositions to grow more and more different type of microorganisms. Okay, so you are changing the growth conditions, you are changing the assemblies in which you can culture the microorganisms, or you are developing the methods where you are co-culturing. ठीक है, को कल्चरिंग की टर्म मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बिकॉज अब सेपरेट सेपरेट कल्चरिंग में जब आप जा रहे हैं तो यू कंसीडर कि दिस वन यू आर कल्चरिंग एंड इट इज गिविंग ऑल ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, बट वी नो दैट दिस इज नॉट गिविंग ऑल ऑफ इट्स एक्सप्रेशन बिकॉज इट वॉज गिविंग इट्स एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ अदर मेंबर्स इन द कम्युनिटी, राइट? सो इट कुड बी द को कल्चरिंग एज वेल, द कम्युनिटी कल्चरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल, सम काइंड ऑफ चैम्बर्स और थिंग्स लाइक दैट. ओके, और इट कुड बी some kind of processes in which you are processing your environmental sample to make the fractions of the environmental sample and taking out the isolations from every fraction of the sample. aap filtration uski kar sakte hain, centrifugation kar sakte hain, sedimentation kar sakte hain. so these are all physical methods which are developed, we are using on the samples. ji मैम, ये कोल कल्चरिंग में हम कंसोर्शियम की बात कर रहे हैं. यू नो कंसोर्शियम इज आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? हेलो. यस मैम. मैम अब आ रही है. ओके, कंसोर्शियम अब आ रही है. कंसोर्शियम में इट कुड बी दैट यू हैव आइसोलेटेड एंड यू हैव करैक्टराइज्ड द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड नाउ यू वांट टू चेक द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. लाइक आपने उनकी आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, करैक्टराइजेशन कर ली और उसके बाद आप उसको उसका कंबाइंड एक्सप्रेशन चेक करना जा रहे हैं, दैट दे आर हैविंग म्यूचुअलिस्टिक एक्सप्रेशन, दे आर हैविंग कंबाइंड इफेक्ट, दैट दे कैन हैव द बेटर यू नो वर्क. तो उसको आप कंसोर्शियम कहेंगे. ठीक है, बट हेयर वी आर यूजिंग द को कल्चरिंग टर्म इन द रेफरेंस दैट यू आर ट्राइंग टू आइसोलेट द अदर थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट थिंग. ठीक है, इट कुड बी एट द बेस यू आर प्रोवाइडिंग वन मेंबर एंड यू आर ट्राइंग टू आइसोलेट द अदर वन. रिमेंबर वी आर नॉट ट्राइंग टू सी देयर एनहांस्ड. So we are trying to culture more and more different types of microorganism. It should be very much clear to you when we are coming towards the culturomics. So culturomics is different from the basic microbiology. In basic microbiology, you are just trying to isolate, okay? But you are not trying to improve your methods of isolation. That you are saying that you are not like, agar end of five. एंड दोज मेंबर्स कुड बी द मेंबर्स विच आर वेरी लेस इन फ्रीक्वेंसी इन दैट कम्युनिटी. ओके, सो द कल्चर ऑफ कम्युनिटीज एंड को कल्चरिंग है ये उसकी जो हम स्टिल आपकी आवाज कट रही है.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक मैम रिकनेक्ट कर मैम ने आई थिंक डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा शायद ज्वाइन। अच्छा मुझे लगा सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही। जी हेलो, अब आ रही है आवाज? यस मैम, यस मैम। ओके सो आई वाज टेलिंग यू द डिफरेंसेस इन द कंसोर्शियम एंड को कल्चरिंग। को कल्चरिंग की एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं शेयर कर दे। स्क्रीन शेयर करने से पहले जरा एग्जांपल सुन लो, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। एग्जांपल वायरस से देने लगी हूँ कि लाइक इट कुड बी दैट अ वायरस इज कॉजिंग द इन्फेक्शन, बट व्हेन यू सी द ओवर सिम्टोमेटिक पेशेंट यू गो फॉर दैट इट कुड बी सम वेरिएंट ऑफ द वायरस और इट कुड बी सम अदर वायरस विच इज कॉजिंग दिस सीवियर इन्फेक्शन। ओके एंड दैट्स हाउ यू start up looking for it is not only the one candidate but it could be two candidates, the one candidate the already known and the other candidate absolutely different one or it could be another variant of the already known. theek hai to ye uski example ho jati hai ki wo co-culturing ho rahi hai, yani ek pehla member bhi tha aur wo mutate kar raha hai aur wo naye member mein convert kar raha hai aur dusra koi dusra member aa gaya hai jiski wajah se aggressive expression ho gaya hai because both are giving same kind of symptoms. But here co-culturing doesn't mean ke kisi ek expression tha, like nitrogen fixation ho rahi thi to dusre ki wajah se nitrogen fixation badh gayi hai. Wo to jab aap identify kar lete hain and if both are having nitrogen fixation abilities for the same environment and for the same commodity, then you can go for consortium development. You see ki agar ye dono mein koi antagonistic ability nahi hai to ye dono ikatthe milke nitrogen fixation kar dein to zyada achhi kar denge. theek hai, so it is once you have isolated and you have characterized their abilities and now you are developing a kind of formulation where you are trying to develop a formulation having both the cultures and that you are calling the consortium development. okay and here we are not developing consortium, hum koi applied cheez develop nahi kar rahe hain. sorry main aapke sath share karun, it should be clear to you when I am introducing you the term of culturomics, I am not introducing you that we are going to develop something, we are like we are going for some enzyme expression and we are going for enhanced expression. it is that we are trying to know the microbial communities more, we are trying to isolate more members of the community, the unknown thing, the uncultured thing. clear? मैम हम इसमें को कल्चरिंग में हम बैक्टीरियोफेजेस की एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें वायरस जो है उसको हम बैक्टीरियल सेल को मतलब इन्फेक्ट करवा के फिर ग्रो करवाते हैं. यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, सो इन कम्युनिटीज के अंदर वी कैन नॉट रूल आउट द, अगर आप सॉइल में जा रहे हैं तो निमाटोड्स भी हैं, वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है और दूसरे फैक्टर्स भी हैं वहाँ पे. ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी दूसरे आपकी गट माइक्रोबायोटा में आ रहे हैं तब भी आप उसके ऊपर है. सो द कम्युनिटी इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, राइट? बट फर्स्ट हैंड हम इस कम्युनिटी एनालिसिस के अंदर सारे एकदम आप सारे मेंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, एकदम आप सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. आप क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. इफ यू रिमेंबर द पेपर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास, आई सेड दैट वेदर दे आर चेंजिंग ऑल द पैरामीटर्स एट द सेम टाइम, बट यू पीपल कुड रियलाइज इट, इट इज सो दैट इन वन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इफ वन फ्लास्क इज डेजिग्नेटिंग one you know unit of that experiment, then only one parameter is changed in that flask and the next parameter is changed in the next flask. So you cannot do so that you change so many parameters in just one experiment and you try to look into the expression. It is all depending that how many parameters you can include
इन योर एक्सपेरिमेंट, एक वक्त में आप एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं पांच फ्लास्क में, तो फिर आपके पास कंट्रोल निकालने के बाद चार बचेंगे जिसमें आप चार पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकेंगे, ठीक है. यू कैन नॉट गो इन वन स्टेज टू ऑल, यू कैन नॉट से दैट आई हैव चेक्ड ऑल काइंड ऑफ यू नो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड वी आर डन. इट इज डिपेंडिंग दैट हाउ मच यू आर एक्सपेंडिंग योर एक्सपेरिमेंट एंड देन यू विल बी पैरामीडिंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स to analyze it. Is it clear now? Because step by step आप अपनी microbiology को complex की तरफ लेके जाएं. अगर आपने basic microbiology सीखी हुई है, जो I'm sure सबको पता है, where we do, because you really have to understand that we are, I'm not giving you the essentials of microbiology thing where I'm introducing you the normal. Or I'm introducing you with the classification of microorganism, or I'm introducing you the techniques basically used for microbial isolation, but we are trying to learn the systematics of microorganism, right? And here this is beyond basic isolation. Actually the basic happening is basic isolation, but basic isolation of the members which were not identified or which were not cultured before, okay? We are looking for the new things, but aapke experiment pe depend karega ya aapki intentions pe depend karega ki aap kitne parameters extend kar sakte hain aur kitna usko kar sakte hain. But like aapke agar 15 parameters hain aur aap unhi 15 parameters pe apne result ko accumulate kar lete hain, theek hai. We cannot say that you have conducted all the possible studies. It could be that someone else can perform the next to it and they can include further parameters, and but ultimately it will be all pyramiding that you are accumulating the results and then deducing the things out of those results, and when you extend the experiments then you get into more information and then there will be a new structuring of the analysis. So traditional okay. basis of isolation actually works over here, but here it is actually you are improving the traditional basis. ट्रेडिशन बेसिस में मीडिया यूज होता है, यहाँ पे भी मीडिया यूज होगा, ठीक है. लेकिन क्या हो सकता है दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक मीडिया यूज, यू गो टू डेवलप और यूज अ मीडिया और द कंपोजिशन वेरी क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. लाइक यू आर लुकिंग फॉर द गट माइक्रोबियोटा आइसोलेशन, तो एलबी या न्यूट्रिएंट एगर पे करने की बजाय कौन सा ऐसा मीडिया हो सकता है जिसपे आप कहें कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट के करीब चले जाते हैं कंपोजिशन में. ब्लड एगर एग्जैक्टली. सो दिस इज हाउ यू इम्प्रूव, ठीक है. अगर आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो आप एरोबिक उसमें देंगे, बट यू नो कि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, तो फिर आप उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन मोड में रख के देखेंगे कि वहाँ पे कौन से आइसोलेट होते हैं. फिर आपके कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे हो रहे होंगे, दोज विल बी द फास्टिडियस काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है. आई विल नॉट बी कमेंटिंग फर्दर ऑन इट, बट आई विल बी शेयरिंग द चैप्टर विद यू सिंस वी आर हैविंग दिस क्लास at the end of the weekend. So you just scan through it. Remember my question in the next class from this part of the lecture will be only on the basis which I have shared with you. I'll not be assessing your knowledge ki aapne isme se kitna padha hai, theek hai, but to improve your understanding or as per your interest, what you can do that you can scan the chapter before, and then we will be going to understand that what is not only the importance of the phenotype but how we are improving our methods to use it for better isolation of microorganism out of the communities. Okay, yes ma'am. Yes jo hai wo bahut hi halki si aayi hai, kya ho gaya, bahut hi mushkil kaam de diya maine. Ma'am main ek dafa repeat kar de question please, note kar rahi hu main. मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं आपके साथ चैप्टर को शेयर कर देती हूँ, ठीक है. जिसका दिल करे वो चैप्टर को पढ़ ले, जिसका ना दिल करे और उसने लेक्चर को ध्यान से सुन लिया है तो वो अगले में कंफर्टेबली आ सकता है, ठीक है. एज ए हैव सेड कि मैं कोशिश करूंगी कि एक दो बेसिक सवाल आपके बनाऊं ताकि आपको इग्नाइट कर सकूं आपकी लेक्चर के लिए, ठीक है. इट विल नॉट बी फ्रॉम द चैप्टर, इट विल बी फ्रॉम द पार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार in this lecture,
राइट सो जिसका ना दिल करे वो ना पढ़े, जिसका दिल करे वो इस चैप्टर को थोड़ा सा स्कैन कर सकता है ताकि वी कंटिन्यू विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द नॉट ओनली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिनोटाइप बट हाउ वी आर इम्प्रूविंग आवर मेथड्स टू यूज इट द आइसोलेशन थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप्स राइट I'll be sharing you the chapter and then you can scan if you want to. If you don't worry. So what I should do, I should actually have your attendance now. Where are you all? मैम एक और चीज़ थी जी अगर हम ये फ्राइडे वाली जो ऑनलाइन क्लास है 10 बजे अगर कर लें अगर किसी को इश्यू ना हो तो पॉसिबल होगा आप क्लास में जिस तरह हमारे बच्चे हैं मगर ऑनलाइन क्लास में तो फिर भी किया जा सकता है जी मैम ऑनलाइन क्लास नहीं है आई एम फाइन 8:30 एंड 10 बोथ लेकिन बाकी मेंबर्स के साथ कंसल्ट कर लो उनकी कोई दूसरी क्लास में हो मुझे बस एक मैसेज फिर आप लोग कर लो मैं लीव कर देती हूं क्लास आप आपस में कर लें आप अटेंडेंस लगा लें मैम हम ग्रुप में कर मैंने अटेंडेंस लगा ली मेरे पास अटेंडेंस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं तुम लोग फिक्र ना करो ठीक है चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज मुझे बस एक सिंगल मैसेज लिख के बता देना वो के 10 बजे करनी है या 8:30 करनी है क्या मैं वेंसडे को पूछ लूंगी नो वरीज ठीक है यू कैन डिसाइड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट ऑनलाइन में ऑन कैंपस क्लास मैं नहीं शिफ्ट करूंगी जब तक के वहां पे प्रॉपर अटेंडेंस ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन में ऑनलाइन मैम ये भी फ्राइडे वाली क्लास है इसमें कर लो कंसेंसस कर लो फिर मुझे बता देना वेंसडे को ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज हमारी क्लास है 10 बजे 11:30 बजे में क्लास 10 से 11:30 होगी ना 11:30 देख लें अगर 11:30 है तो फिर हो सकता है 10 बजे हाँ फिर 10 बजे से 11:30 रख लें तो ठीक है हाँ 10 बजे रखें 10 to 11 10 बजे अगर और किसी को इश्यू है तो वो बोल दें शहाब भाई को सलाम कह दें वालेकुम सलाम अफगानिस्तान से सलाम है ठीक हो गया फिर 10 बजे कर लें फिर ओके देन अल्लाह हाफिज़ एवरीवन ओके हाँ सर ओके लाफ तला भाई कोई बुला दें तला सोया वैसे यार उसकी आवाज नहीं आ रही वो मिस कर रहे हैं मुझको क्लास अगर किसी को इश्यू नहीं है तो इसका मतलब है फिर हम 10:00 की नेक्स्ट वाली क्लास करेंगे यस यस ओके ठीक है सर ओके तो सर कर लेना अल्लाह फजीला जी यार वो मैम ने स्लाइड नहीं देनी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आई थिंक मैम भूल गए मैं दोबारा उन्हें याद करवा दूं क्योंकि अभी मैम वो ये चैप्टर अपलोड करेगी ना तो मैम को फिर साथ ही कह दो कि मैम आपने कहा था कि स्लाइड में अपलोड कर दूंगी तो चैप्टर 1 और 2 की काइंडली उनसे स्लाइड भी अपलोड करवा दो चलें ठीक थैंक यू Welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz.